मुझे पता था कि रिएक्शन आएगा मेरी वीडियो पे। आने के लिए आए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप लोगों को इतना ही सिखाने का शौक है तो अपने अपने चैनल्स खोलें और नए फैंसियर का फायदा हो उससे। तो एल्बिनो रेड आई भी समझे कि हमारी बर्ड्स का मेहरान है। अच्छा, सिर्फ स्पेयरिंग इज नॉट द सोल्यूशन एल्बिनो रेड आई को सर्वाइव करने का या बाकी भी चीजों पर, हमने केयरिंग भी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को अगर एल्बिनो रेड आई की पेयरिंग करनी है तो 10 दफा सोच लें। तो आई होप कि आप लोगों ने 10 दफा सोच लिया होगा, और बहुत सारे हजरात होंगे जो एल्बिनो रेड आई ही 10 दफा सोचने के बाद उन्होंने फैसला यही किया होगा कि एल्बिनो रेड आई ही लगाना है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हम हैं पाकिस्तानी और हम लोग रीसेल वैल्यू को बड़ा देखते हैं। चीज में हमें यूटिलिटी मिले या ना मिले, मेहरान अभी तक बिकती है, मेहरान कार अभी तक बिकती है, कोई यूटिलिटी नहीं है कार में, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जो चीज 1990 में जापान में बंद हो गई है वो आज भी अगर पाकिस्तानी अवाम को मिले तो जीरो मीटर लेने के लिए चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी रीसेल वैल्यू की वजह से। तो एल्बिनो रेड आई भी समझे कि हमारी बर्ड्स का मेहरान है, ठीक है। क्यों? उसके अंदर कोई खास फीचर्स नहीं है, बर्ड रिलेटिवली दूसरे बर्ड्स के हिसाब से इतना खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ब्लीच आउट हुआ बर्ड है, सिर्फ आई रेड है, बाकी म्यूटेशंस काफी खूबसूरत हैं। लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू हर बंदे को अट्रैक्ट करती है कि मैं एल्बिनो रेड आई ही प्रोड्यूस कराऊं या क्रेमिनो प्रोड्यूस कराऊं या डेकिनो प्रोड्यूस कराऊं। तो चलें, अब इसको वर्किंग करनी कैसी है। सबसे बड़ी गलती क्या थी मेरी कि मैंने रेड टू रेड आई ब्रीड करवाया हुआ था, ठीक है, जो कि फेलियर का पर्पज था। तो मुझे पहले साल ही समझ में आ गया था कि भाई ये रेड टू रेड तो काम नहीं करेगा। ये 7 पेयरिंग में से 1 पेयर चला था मेरा जिसके बच्चे सरवाइव करते थे, या दो के पेयर्स चलते थे, बाकी सबके बच्चे मर रहे होते थे। तो मैंने सेकंड ईयर से ही अपनी वर्किंग चेंज कर दी थी, और क्या वर्किंग की थी उसके बारे में आज इस वीडियो पे वो करते हैं, देखते हैं कि अब हमने अगर रेड आई प्रोड्यूस करवाना है, एल्बिनो रेड आई प्रोड्यूस करवाना है, तो उसका सही तरीका क्या है। जितने लोग आपको एल्बिनो टू एल्बिनो ब्रीड कराने का मशवरा देते हैं सब रॉन्ग है, सब बेवकूफ बनाते हैं, किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं आता, सब लोग दूसरी किस्म की पीछे से सीक्रेट वर्किंग की हुई होती है, लेकिन नए फैंसियर को रेड टू रेड पे लगाया हुआ होता है कि उसके पास कहीं ब्रीड ना आ जाए, ठीक है, और वो जो सर्टेन लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास ब्रीड आ रही है और वही लोग बेच रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम अपनी रेड आई की जो सही तरीका है उसके तरीके से हम अपनी ब्लड लाइन स्ट्रांग खुद कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो सही तरीके से स्ट्रांग होती है। थोड़ी सी वर्किंग लंबी है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देख लें, 3-4 साल में कोई रिजल्ट नहीं आता रेड टू रेड, लेकिन अगर हम ये वाली वर्किंग करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं इसको चेक करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, हमें अपनी ब्लड लाइन स्ट्रांग करनी है, क्योंकि ये जेनेटिकली वीक ब्लड लाइन है, तो हमें उसको स्ट्रांग करनी है। पहले स्टेप पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है पेयरिंग के थ्रू। तो क्या पेयरिंग है जो हमने करनी है? हमने अपने एल्बिनो रेड आई को सबसे पहले ब्रीड करवाना है एक ग्रीन फिशर के साथ, ठीक है। वाइल्ड टाइप अगर मिल जाए अच्छी साइज का, अच्छी का, तो वो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि यार वाइल्ड टाइप लेके, जो यूरोपियन लाइन का चलता है, आप उससे एक दफा आउटक्रॉस करवाएं, क्योंकि दिखने में ऐसा ही लगता है कि यार हम 1 साल पीछे की वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये वर्किंग पीछे नहीं होती, ये राइट वर्किंग होती है। तो आपने क्या करना है, पहले एक ग्रीन फिशर को ब्रीड कराना है एल्बिनो रेड आई के साथ। तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएंगे, ग्रीन फिशर आ जाएंगे, स्प्लिटिनो होंगे, स्प्लिट ब्लू होंगे। उनको नेक्स्ट ईयर आपने फिर से एल्बिनो रेड आई के साथ जब ब्रीड करवाएंगे तो आपके पास एल्बिनो रेड आईज आ जाएंगे बच्चे, जो कि इंशाल्लाह सर्वाइव करवाएंगे। दूसरी पेयरिंग हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और ग्रीन बर्ड है जिसे लुटिनो कहा जाता है, ब्लैक आई में मिल जाए तो वो ज्यादा यूज कर लें। अगर आप लोगों को, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्प्लिट ब्लू, तो वो स्प्लिट ब्लू डायरेक्ट खरीद लें तो उनका 1 साल बच जाएगा। तो दूसरा बर्ड है लुटिनो ब्लैक आई, क्योंकि ये ग्रीन बर्ड है ना, ग्रीन बर्ड रिलेटिवली स्ट्रांग ब्लड लाइन होती है उनकी ब्लू बर्ड से, और ब्लैक आई की स्ट्रांग जीन होती है रेड आई से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन बर्ड भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने साथ और रेड आई ब्लैक आई भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो हमारे बच्चों की सर्वाइवल रेशियो काफी अच्छा हो जाएगा। तो हमने दूसरा बर्ड क्या लेना है, लुटिनो फिशरी या पर्सनाटा जो भी मिल जाए आपने वो लेना है, और आपने उसको एल्बिनो रेड आई के साथ लगाना है। इनमें से जो बच्चे आएंगे वो वापस से वही होंगे, लुटिनो होंगे, स्प्लिट ब्लू होंगे, और अगर ब्लैक आई यूज किया होगा तो स्प्लिटिनो होंगे। तो आपने नेक्स्ट ईयर वापस से उसको एल्बिनो रेड आई के साथ लगाएंगे, तो आप लोगों की ब्लड लाइन स्ट्रांग भी होगी और बच्चे सर्वाइव भी करेंगे।
तीसरी क्या है, तीसरी आपने डेक बर्ड लेना है व्हाइट कलर का, जिसको एल्बिनो ब्लैक आई कहते हैं, या ब्लू फिशरी लेने हैं, उसको अपने एल्बाइनो रेड आई के साथ लगाना है, स्प्लिट्स बनाने हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर अपने स्प्लिट को एल्बाइनो रेड आई के साथ करवाएंगे ब्रीड, तो भी आपके बच्चे सर्वाइव करेंगे। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनाटा बर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनाटा जब एल्बाइनो आएगा तो आपके बर्ड्स को उसमें नहीं कोई भी मास्किंग नजर आती, तो अपने पर्सनाटा बर्ड रिलेटिवली ब्लू फिशरी से स्ट्रांग है जेनेटिकली, तो आप पर्सनाटा को यूज कर सकते हैं एल्बिनो पर्सनाटा बनाने के लिए, और फिशरी यूज कर सकते हैं एल्बिनो फिशरी बनाने के लिए। तो जिन लोगों को वो पिछले दिनों या पिछले साल लोग एल्बिनो फिशरी के पीछे भाग रहे थे और नहीं मिल रही थी और पता ही नहीं होता था कि पर्सनाटा या फिशरी करके लोग बेच देते थे, तो इस वर्किंग से आप लोगों को कंफर्म होगा कि आपकी जो एल्बाइनो है वो फिशरी है या पर्सनाटा है, ठीक है। ये हो गई पेयरिंग थ्रू, जो हमने स्ट्रांग अपनी ब्लड लाइन की है थ्रू पेयरिंग। अच्छा, सिर्फ पेयरिंग इज नॉट द सोल्यूशन एल्बाइनो रेड आई को सर्वाइव करने का या बाकी भी चीजों पे, हमने केयरिंग भी करनी है पेयरिंग के साथ, ठीक है। केयरिंग कैसे करनी है कि हमने जब बच्चे हैच होने तो डेली बॉक्स चेक करने है कि कौन सा बच्चे के पास क्रॉप में फीड है, कौन से में नहीं है। अगर किसी कोई बच्चा, खास तौर पे जो लास्ट बच्चा निकल रहा होता है, चौथा या पांचवा बच्चा, उसको फीड नहीं वो करवा पा रहा होता, या एल्बाइनो रेड आई का ये भी इशू है, या पेल फेलोस का, जितने भी रेड आईज का, वो शुरू में फीड नहीं ले पाते, तो शुरू के दो तीन दिन चार दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग डेली बॉक्स चेक कर सकते हैं वो डेली बॉक्स चेक करें, और अगर जरूरत है तो हैंड फीड कराएं बर्ड्स को, या ऐसे फोस्टरिंग पेयर्स जो बहुत अच्छे होते हैं इनिशियल बच्चों को फीड कराने पे, तो आपने वो यूज करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बजरी यूज करता हूं, तो बजरी बहुत अच्छा फीड कराते हैं शुरू में, या बाद में भी पूरे सेल्फ तक बजरी करवाते हैं, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बजरी काफी अच्छे रहते हैं इनिशियल बच्चे उठाने के लिए। ये ग्रीन फिशर भी हो सकते हैं, ये आपके जो दूसरे रोजी कोली के पेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे फीडर्स होते हैं, तो आप वो लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो फोस्टर पेयर्स हैं वो भी आप लोगों ने बड़े इसमें जो है भरोसे वाले जो फोस्टर पेयर्स हैं ना, वही यूज करने हैं, कि पहले आपने एक साल जो देख लिया कि हाँ ये फोस्टर पेयर्स अच्छा फीड कराते हैं, तो वो करना है। और फिर तीसरी चीज हो जाती है डाइट, मल्टीविटामिंस, ये जो आप सीजन शुरू होने से पहले डी वार्मिंग से लेके मल्टीविटामिंस, कैल्शियम, ये सारी चीजें जब फीमेल की पूरी होती है ना, तो बच्चे स्ट्रांग आते हैं, बच्चे हैच भी होते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो आपने डाइट का भी बहुत ख्याल करना है। डाइट के ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि क्या होनी चाहिए। तो आई होप कि जो भी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई थी, मुझे पता था कि रिएक्शन आएगा मेरी वीडियो पे, और मैं वही चाह रहा था कि लोग रिएक्शन दें। मैं उन लोगों का भी शुक्र गुजार हूं जिन लोगों ने मेरा रिजल्ट देख के, भाई इसके पास तो कुछ आया ही नहीं एल्बिनो रेड आई का, वो फिक्रमंद हुए मेरे लिए, और कुछ लोगों ने मुझे बिल्कुल ही वो समझ लिया कि भाई ये तो एक्सपर्ट ही नहीं है और बिल्कुल फेलियर है। तो चले, जो मुझे सिखाने के लिए आए थे उन लोगों का भी शुक्रिया, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो मुझे आप लोग सिखाने के लिए आए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप लोगों को इतना ही सिखाने का शौक है तो अपने अपने चैनल्स खोलें, और नए फैंसियर का फायदा हो उससे, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ब्रीड लेने पे, तो आप अपने चैनल खोलें और नए फैंसियर्स को सिखाएं, ताकि हमारा बर्डन थोड़ा रिलीज हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो थोड़ा सा क्योस क्रिएट हुआ था वो भी पूरा हो गया होगा। तो अब हम एल्बिनो रेड आई की स्ट्रांग ब्लड लाइन के साथ अपनी जो है ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।